हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं एक यूनिक जगह पे, जमशेदपुर में पहली बार हो रहा है और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस जगह पे जाने के लिए। इस बार मंडा जमशेदपुर में होली फेस्टिवल, तो वहीं पे जा रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए कि कहाँ पे मनता है। तो चलिए फिर, अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे। आप लोगों को दिखाते पूरा नज़ारा। ये है मेन एंट्री, यहाँ से हमें एंटर करना है। तो इसे थोड़ा बहुत सजाया गया है और जिस जगह पे हम आए हैं उसका नाम है गोल्डन लीफ रिसॉर्ट। ये देखिए अंदर से रिसॉर्ट कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ काफ़ी लोग रह भी रहे थे। अभी हम अंदर आप लोगों को और दिखाते हैं इसका सीन। इस रिसॉर्ट में थिएटर भी उपलब्ध है, आप यहाँ पे मूवी भी देख सकते हैं। यहाँ बर्थडे पार्टी, शादी, सारी चीज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये छोटा सा पार्क है, कोई भी इस रिसोर्ट में आता है तो यहाँ पे सारे लोग बैठते हैं, बच्चे लोग झूला झूलते हैं। ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम है द वुड्स। इसके ऊपर खुला हुआ है सैलून स्पा। हम ऊपर चले गए थे छत के ऊपर, अभी आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। रेस्टोरेंट के जस्ट अपोजिट में बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है बैठने में क्योंकि ये खुला हुआ है। स्विमिंग पूल मैं आप लोगों को बाहर से दिखा दे रही हूँ क्योंकि अभी होली का टाइम है तो इसे बंद रखा गया है। छत के ऊपर से हम आप लोगों को नीचे का सीन दिखा रहे हैं। यहाँ खुले मैदान में ही प्रोग्राम होने वाला है। काफ़ी सुंदर है छत के ऊपर से, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गए। देखिए कुछ इस तरीके का सीन है हमारा छत से, काफ़ी सुंदर लग रहा है। टेंट भी हम आप लोगों को अंदर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी अच्छे से सजाया गया है। काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हो चुका है लेकिन अभी थोड़ी बहुत बाकी है। देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे गुलाल वगैरह दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये अभी जगह जगह पे रखा है, जो भी लोग आएंगे उससे खेलेंगे। लोगों के लिए यहाँ पे अभी रेत वगैरह रख दिया गया था कि कोई भी इससे लेकर के खेल सकते हैं। कई तरह के पास थे, जो नॉर्मल था वो बाहर बैठते, वालों के लिए अंदर की तरह व्यवस्था की गई। यहाँ कई तरह के गेम की व्यवस्था की गई है। खाने के लिए यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था, ये लोग आए थे रेस्टोरेंट की तरफ से। जैसे हो गया हाई स्काई, बंजारा, स्क्रैच की तरफ से आए हुए हैं। जगह पे हमें बैंड मिलने वाला है, उसे पहन के हमें तब एंट्री मिलेगा अंदर जाने के लिए। इसी तरह का बैंड मुझे पहनने के लिए मिला गया है। बैंड पहनने के बाद यहाँ पे सारे लोगों की चेकिंग हो रही थी, जींस की खासकर, लेडीज का नहीं हो रहा है। एंट्री गेट यहाँ पे भी दो गार्ड खड़े हुए थे, वो हमारे पहले बैंड चेक करते फिर हमें अंदर जाने के लिए एंटर देते। जैसे ही हमें एंट्री मिली सारे लोग गुलाल अबीर सब खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। गेम खेलने के लिए आए हुए हैं, इसके अंदर बंदूक के अंदर है रंग और ये मार रहा ड्रैगन को। यहाँ एक अलग तरह का हमें गेम देखने को मिला। ये जैसे आप लोगों ने अनार देखा है उस तरह का था, उसे
यहाँ पे कुल्हर चाय। साइड में देख सकते हैं आप लोगों को अभी चार लड़की दिखेगी, ये लोग सिगरेट पी रही थी, इतनी छोटी छोटी बच्ची लोग और सिगरेट पी रही। देखिए आप लोग भी, क्या जमाना आ चुका है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं घर वापस और मैं पहुंच चुकी हूँ घर। अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।